तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती। अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वसेपुर में एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि जब तक ही भारत में सिनेमा है ना, तब तक यहाँ के लोगों का चूतिया यूं ही कटता है। इसके बाद एक दूसरी मूवी में शाहरुख खान ने स्क्रीन पे आके बड़ी मोहब्बत से ऐश्वर्या की तरफ देख के बोल दिया कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और, उस पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। और इस पर अपने यहाँ के लड़का लड़की लोग सब बावरे हो गए, पागल हो गए। बस यही तो सुनना था, इसने तो यार दिल के किसी गहरे कोने में दबी हुई बात की आसानी से बोल दी। अरे यार भाई बहन जो भी कोई हो, ऐसा नहीं है, पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमारी पब्लिक से कहा जाता है सिनेमा के माध्यम से। और हमारे यहाँ की पब्लिक भी इतनी भोली होती है कि इनकी हर बात को सच मान लेती है। ठीक वैसे ही जैसे अभी कांग्रेस आपको बताना चाहती है कि एयर स्ट्राइक हुई थी। बहरहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक तरफा प्यार की, जिससे अंग्रेजी में वन साइडेड लव और हमारी माताएं भूत पिशाच का छाया कहती हैं, और इसमें आपके दोस्त लोग भी बावरे हो चुके हैं, समझो यार। तो यार एक तरफा प्यार जो होता है वो सिर्फ एक अट्रैक्शन की तरह होता है, और सही मायनों में बात करें तो वो प्यार होता भी नहीं है। सिर्फ किसी को पसंद करना या लाइक करना प्यार कभी नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे आपको रास्ते में जाते हुए कोई लैंड रोवर दिख जाए और आप कहो कि यार क्या सही लग रही है, अभी ये प्यार नहीं है ना, सिर्फ एक अट्रैक्शन है या कि पसंद। या कोई एक्ट्रेस या एक्टर को ले लो जिन्हें आप पसंद करते हैं पर प्यार नहीं, क्योंकि बिना किसी को जाने पहचाने तो सिर्फ यही हो सकता है, प्यार तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ हमारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो ऐसी बातों को और हवा देते हैं, कुछ को तो बस यूं ही मजे लेने होते हैं और कुछ को तो पता ही नहीं होता कि राय क्या देनी है, तो हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि आपका कितना कटता है एक तरफा प्यार। सबसे पहला टाइम, अब होता यह है कि आप पूरे टाइम उस फला इंसान के बारे में सोचते रहोगे कि यार वो ऐसा वो वैसा, और तरह तरह के ख्याली पुलाव पकाते रहोगे जिससे होना जाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आप सोच रहे हो बस आपकी सोच है और किसी की नहीं। अब इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, अब आप ही बताइए। दूसरा फोकस लूज, शी लव्स मी नॉट। ये एक ऐसा प्राचीन खेल है जो हर प्यार का पक्ष खेलता है, और मैं इसे कहता हूँ फोकस की अखंड अघोर कप। इसमें आप हर वक्त फिर से उसी फला इंसान के बारे में सोचते रहते हो और बस दिन यूं ही काटते रहते हो। तीसरा अपनों से दूरी, जितना ड्रामेटिक ये साउंड कर रहा है ये असलियत में भी उतना ही ड्रामेटिक होता है। इसमें आप एक्चुअली सबसे दूर होने लगते हो, किसी का साथ आपको अच्छा नहीं लगता, घर वालों की लगभग हर बात आपको बुरी लगने लगती है, और हम अपने आप को किसी मजे हुए आशिक के रूप में देखने लगते हैं जो कि होता नहीं। चौथा अप्रोच करने का, कभी ऐसे जहर के बारे में सुना है जिसके बारे में हम सोच के मर सकते हैं पर अगर पी लें तो शायद बच जाए, नहीं ना साहब ये वही जहर। अब आप बोलोगे क्यों, तो मैं इसके बारे में बस इतना ही कहूंगा कि अगर अप्रोच नहीं किया तो ये सोच सोच के पागल हो जाओगे कि यार बोल दिया होता तो शायद बात बन जाती, और ये सोच सोच के हर जगह तुम्हारे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ती है। और फिर चलो मान लो तुमने हिम्मत करके प्रपोज कर दिया, तो यहां दो बातें, पहली सामने वाली पार्टी हाँ करेगी, और अगर ऐसा होता है तो जी बधाई है, अब आपको कोई नहीं बचा सकता, और दूसरी सामने वाली पार्टी आपको ना करेगी। तो ना करने पे कहे जाने वाले मुख्य कारण कुछ इस प्रकार है, पहला मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं, दूसरा मैं तुमको तो अपना भाई मान, तीसरा मैं तू कौन है, चौथा मेरा फेवरेट जो बहुत सारे लड़कों के साथ होता है, आई लव यू बट ओनली अ गर्ल। अब हम बात करते हैं इसके बाद आपके साथ क्या होगा, मतलब जब आपको ना कर दिया गया इन मुख्य कारणों की वजह से या किसी और पांचवे कारण की वजह से, तो आपके साथ क्या। पहला ये वो चरण है जिसमें आप कभी अकेले तो कभी अपने साथ के सभी लोगों को अपनी मानसिक स्थिति अपने गानों के जरिए बताते हैं, और आजकल ऐसे लोगों का मसीहा है बालों वाला बाबा जिसे हम अरिजीत सिंह के नाम से जानते हैं। सुनने में ये आया है कि चाहे लड़का हो या लड़की ये सभी की नसें बखूबी पकड़ लेते हैं। रिजल्ट ये वो कांड है जिसके बिना एक तरफा प्यार मेरे हिसाब अधूरा है, अगर ऐसा कुछ होता है। अगर एक तरफा प्यार में दिल टुड़वा के रिजल्ट नहीं बिगाड़ा तो क्या खाक उखाड़ा तुमने एक तरफा प्यार, क्योंकि तो अगर ये नहीं हुआ तो अगला पॉइंट कैसे आएगा, रिवेंज और सक्सेस। इसके बाद आपके कानों में गाना बजेगा, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा
इंतकाम देखेगी। टूटे हुए दिल से ही सच्ची सक्सेस स्टोरी निकलती है, ये लिख लो, याद कर लो और गांठ मार। ओह नो। हाँ यार, गांठ ही का सही सुना। इसे बाबा नमन ने कहा है क्योंकि पहले जो दिक्कतें बताई थी ना, देखा गया है कि उन सबसे ऊपर आने में टूटे हुए दिल से अच्छा कोई मरहम नहीं। यह आप में सक्सेस की भूख लाएगा, जीतने की चाहत पैदा करेगा, पहचान बनाने का जुनून लाएगा और आपको नई ऊंचाइयों को छूने की ताकत देगा। जय हिंद, जय भारत।